साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, आप कौन बोल रही? अच्छा, तो अब मैं कौन हो गई? याद करके बताइए। सभा, आप? मैं वापस आ गई हूँ एंड आई एम ओके। दरअसल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कहो, क्या बात करनी है? आप हीना बाजी से मिलने उनके घर गए थे ना? हाँ, गया था। और हीना बाजी ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया? दरअसल इसके लिए हीना बाजी बहुत शर्मिंदा है और वो आपसे माफी चाहती है। आप उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। तो इस वक्त आपकी हीना बाजी आपके साथ है, राइट? हेलो सबा, सबा, तो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इस वक्त आपकी बाजी आपके साथ है ना? समीर, आप ही कमाल करते हैं, भला बाजी मेरे पास क्यों होंगी? दरअसल मेरे और बाजी के बीच इस टॉपिक को लेकर बात हुई थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं समीर से कह दूंगी कि बाजी उनसे माफी मांगना चाहती है। तो मैं बाजी से क्या कहूँ, आपने उन्हें माफ कर दिया ना? सबा, अपनी बाजी से कह देना कि जितना बड़ा गुनहगार उनका मैं हूँ, उसके मुकाबले तो उनका गुनाह कोई मायने ही नहीं रखता। इसका मतलब उन्हें आपसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? राइट। दरअसल माफी तो मुझे उनसे मांगनी चाहिए। बाजी ठीक ही कहती है। क्या कहती हैं? यही कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहेगी सबा, कि मेरी तरफ से किसी को भी और खास तौर से हीना को कभी भी शिकायत का मौका ना मिले और कभी किसी का मेरी तरफ से दिल ना टूटे, क्योंकि क्योंकि दिल टूटने से कितनी तकलीफ होती है उसका एहसास अब मुझे अच्छी तरह से होने लगा है। सुन लिया? उल्टा समीर ही आपसे शर्मिंदा है, आप तो बेकार में माफी मांग रही थी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटे। ये न्यूज़ पढ़ी तुमने? क्या छपा है? वही कि एक नौजवान ने अपनी चाचा का कत्ल कर दिया। सोचो जुल्म करते वक्त पता नहीं लोगों पर किस तरह का जुनून सवार होता है, अंजाम की तो जैसे किसी को परवाह ही नहीं। अब अपने घर की मिसाल ही ले लीजिए ना, जाबिर पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करने लगा था। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसी बात का ख्याल ही नहीं रहता था उसे। उसकी तो बात ही मत करो बेटे, उसके बारे में कहना वक्त बर्बाद करना है। तुम एक काम कर लो, ये चाय पी लो। मालूम है तुम्हें, ये चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा अबू, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। अरे नहीं नहीं नहीं, हीना बेटी के हाथ की चाय के आगे कुछ नहीं। वैसे अकरम, तुमने एक बात पे गौर किया क्या? हीना के जाते ही इस घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वैसे हीना के आने से पहले भी इस घर का वही आलम था, लेकिन अब तो इस घर को हीना की आदत हो गई। वैसे अकरम, हीना के लिए वक्त निकाला करो, इसे दिल बहल जाता है। कहां रख दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ढूंढते ही रहो बस। हैदर मियां, परेशान हो गया हूं, इस घर में कोई चीज तमीज से रखी हुई नहीं। घंटे भर से मोजे तलाश रहा हूं, कभी लाल रंग का मिलता, कभी नीले रंग का, एक रंग के मोजे मिलते ही नहीं। रुमाल निकालो, टाई निकलती है, यह अलमारी नहीं हुई, अजायब घर हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ, मैम साहब ने खुद अपने हाथों से सामान यहाँ रखे हैं,
मैं तो बड़ी मुश्किल से इस कमरे में आता हूँ। अब ढूंढो मेरे मोजे, जिस रंग के कपड़े पहना हूँ उसी रंग के मोजे मिलना चाहिए। जी मोजे नहीं हुए, खजाना हो गया साला। अरे मिले? ढूंढ तो रहा हूँ। दोपहर तक मिल जाएंगे। अलमारी नहीं हुई, गोडाउन हो गया, मोजे नहीं मिल रहे। ये गुलनार का भी कमाल है, कहाँ कौन सी चीज रखी है बताकर ही नहीं गई। बस जाने की जल्दी थी, औरतों को तो बस बाहर जाने का बहाना चाहिए। अबू, अबू अम्मी का खत आया। खत आया? तुम्हारी अम्मी का जनरल नॉलेज इतना खराब हो गया है कि उन्हें ये खबर ही नहीं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में एसटीडी फोन लग चुके हैं। एक्सक्यूज मी अबू, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इस खत में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहती है, आपसे नाराज है। अच्छा जी, तो सिर्फ यही बताने के लिए उन्होंने खत लिखा है तुम्हें? जी नहीं, उन्होंने खास तौर पे मेरे लिए लिखा है कि मैं आपको वक्त पर दवाइयों की याद दिलाता रहूं और आपको देर रात तक जागने ना दूं, और आपकी हर चीज के बारे में इस खत में तफसील से लिखा है उन्होंने। जैसे आपके मोजे अलमारी के राइट साइड के ऊपर वाले खाने में रखे हुए। मिल गए, मिल गए, यही मोजे है ना? देखिए मैंने ढूंढ निकाला। वाह वाह हैदर भैया, यानी आपके कान खत की तरफ लगे हुए थे, तुरंत आपने मोजे निकाल कर दे दिए। और क्या लिखा है? वो खैरियत से तो है? जी हाँ, बहुत अच्छी है। मैं पढ़ूं? तुमसे पूछा है कि तुम खुश तो हो ना, तुम्हारा मिजाज कैसा है, ये सब पूछा है। अबू, अम्मी को खत लिखेगा कि मैं बहुत खुश हूं और इंशाल्लाह आप समीर कभी जिंदगी में दुखी नहीं होगा, कभी उदास नहीं होगा। अकरम मियां में सबसे बड़ी खूबी यह है कि बात करने का सलीका है उसमें, काम के अलावा किसी दूसरे मामले में बात नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियां समझता है वो। ठीक कह रहे हैं आप, हीना को इतना अच्छा शौहर और हमें इतना अच्छा दामाद मिलना खुशनसीबी की बात है। हीना बेटी, किस सोच में डूबी हो तुम? जी कुछ नहीं आप, अकरम की याद आ रही होगी। ऐसी बात नहीं है अम्मी। अच्छा बेटी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। अब्बू मैं सोच रही थी मैं कुछ दिन और रुक जाऊँ यहाँ। जरूर रह लो बेटी, आखिर तुम्हारा ही तो घर है, लेकिन कुछ दिन ज्यादा रहने के लिए तुम सरफराज साहब से या अकरम से इजाजत लेकर आई थी? जी नहीं। तो फिर अगली बार जब आओ तो इजाजत लेकर आना, फिर जितने दिन चाहे रह लेना। जी मेरी अच्छी बेटी। सुभान अल्लाह, मैं भी आया तैयार होके। समीर? अरे अब्बू, कहीं जा रहे हो क्या? बस यूं ही ऑफिस के काम से। अच्छा, जल्दी में तो नहीं हो ना? नहीं तो कोई काम है? हाँ बेटे, वो मैं चाह रहा था कि अरे हाँ, तुमने अपनी अम्मी से फोन पर बात क्यों नहीं की? बेटी वो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही होंगी, फिक्रमंद हो रही होंगी तुम्हारी खैरियत जानने के लिए। चलो फोन लगाओ उनको। अब्बू आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको उनसे बात करनी है? मैं क्यों बात करूंगा फोन पर, वो खुद करेगी, खत लिख सकती है, फोन नहीं कर सकती। तुम मेरी छोड़ो, अब फोन लगाओ यार, मेरे सामने लगाओ, तसल्ली हो जाएगी मेरी। बात कर लूंगा अबू, इतनी जल्दी भी क्या है? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, बात को छुपा क्यों रहे हैं? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं बात करनी उनसे। उनकी आपा को दो चार बातें क्या सुना दी, नाराज होकर चली गई, अब फोन करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की। ठीक है मैं ऑफिस में जाकर फोन करूंगा। खुदा हाफिज। समीर भी अजीब, सब कुछ समझते हुए अनजान बन रहा है। अरे गुल्लार, मेरी आवाज ही नहीं पहचान रही, मैं फैजान बोल रहा हूं। हाँ बेटे, वो मिर्जा साहब का फोन आया था। क्या कह रहे थे अबू? वो कह रहे थे हिना को लेकर वो खुद आ रहे हैं, तो तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अबू जब मैं वहां पे जा ही रहा था तो आपको उनसे कहना चाहिए था कि यहां आने की तकलीफ ना करे। अब बेटे वो इसी बहाने आना चाहते थे, इनकार करके अच्छा नहीं लगता ना।
और वैसे भी हमारी मुलाकात काफी दिनों से नहीं हुई। चलिए ठीक है। वैसे अबू आपको भी कहां फुर्सत मिलती है किसी के घर जाने की? हाँ वो तो है। वैसे बेटे मिर्जा साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, उनसे मिलकर उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर रूहानी खुशी होती है, और मिर्जा साहब उनमें से ही एक है। अरे समीर तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अचानक यहां कैसे? मुझे तेरी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? मुझे आज शाम तक किसी भी सूरत में ये रिपोर्ट तैयार करनी है, और ये काम तो ही कर सकता है। अगर आज शाम तक ये रिपोर्ट तैयार नहीं हुई तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कल सुबह ये रिपोर्ट मुझे सबमिट करनी है। ठीक है, मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन वक्त काफी लगेगा, चलेगा ना? ऑल राइट, मेरे पास काफी टाइम है। अबू हम लोग बैठे, चल चला जा। ला दिखा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, मैं सरफराज बोल रहा हूँ। अरे वालेकुम अस्सलाम सरफराज साहब। वो मिर्जा साहब, मैं ये कह रहा था आप इस वक्त हिना को लेकर ना आए, मेरे ख्याल में यही बेहतर रहेगा। क्यों, कोई परेशानी आन खड़ी हुई है क्या? अरे नहीं नहीं मिर्जा साहब, आप घबराइए मत, अक्रम फुर्सत पाते ही खुद हिना को लेने आ जाएगा। अरे जनाब आप कैसी बात कर रहे हैं, वो बेचारा थका हुआ आया होगा, मैं ही हिना को ले आता हूँ और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। मैंने कहा ना मिर्जा साहब, आप तकलीफ मत कीजिए, हम फिर किसी रोज मिल लेंगे, मैं खुद आपके घर आ जाऊंगा, लेकिन अभी आप यहां मत आइए। ठीक है जैसा आप कहें, मगर सरफराज साहब आपको हमारे आना जरूर है, भले ही हमें मरीज समझकर। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह आप दोनों को तंदुरुस्त रखे। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यार अकरम भूख लगी है यार। अच्छा बोल क्या खाएगा? पर तू ये फोन क्यों उठा रहा है? ऑर्डर देने के लिए। एक्चुअली बात ये है कि हिना घर पर नहीं है, तो फिर अचानक आना हो गया, इसलिए खान की भी एनीथिंग। ठीक है कोई जल्दी नहीं, बाद में खा लेंगे। अरे नहीं यार, वक्त तो देख कितना हो गया, खाने का टाइम हो गया, और टू टेल यू फ्रेंकली भूख का एहसास मुझे भी होने लगा है। बोल क्या खाएगा? पहले काम करते हैं यार। अरे काम तो चलता रहेगा ना, इसी बहाने ब्रेक भी मिल जाएगा हम लोगों को। खाना यार बाद में खा लेंगे, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, लेट मी नो व्हेन यू वांट टू ईट। ओके या ये अचानक क्या बात हो गई? आपने तो सरफराज भाई को फोन किया था ना कि आप हिना को लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, और उन्होंने खुद कहा था कि जरूर आइए, बैठेंगे बातें करेंगे, और अब अचानक ये कह दिया कि आप मत आइए, अकरम आके हिना को ले जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। हिना, सरफराज भाई तुमसे नाराज तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ दिन और रहने की तुमने उनसे बात की थी ना, बेटी कोई भूल तो नहीं हो गई? मम्मी मैं उनसे इजाजत लेकर आई थी यहाँ, अब वो ऐसा क्यों कहने लगे मुझे क्या पता, और आप है कि मुझे कह रही हैं। बेटा ये क्या करती हैं आप? उसकी शादी हो गई है, वो अब दूसरे घर की हो गई है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बेगम। सुबह से वो इतनी खुश थी, आपने उसका दिल तोड़ दिया। मगर मेरी भी तो सोचिए, मैं आपकी बात सुनकर कितनी परेशान हो गई। देखिए मुझे गलतफहमी से बहुत डर लगता है, सरफराज भाई से फिर से बात कीजिए ना और पूरी तफसील हासिल कीजिए। नहीं बेगम ये मुनासिब नहीं होगा, पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात है, अल्लाह जाने।
अकरम जी अबू बेटे वो खाना मंगवा लो क्योंकि हिना का फोन आया था कि वो आज नहीं आ रही है। ठीक है अबू। अब नाराजगी छोड़ो, तुम्हारी अम्मी ने बस यूं ही कह दिया। देखो सरफराज साहब ने अपना प्रोग्राम बदल दिया और तुम्हारी अम्मी ने फिक्रमंदी में ऐसी बात कर दी। मेरी जान प्लीज मुस्कुरा दो, अगर तुम इस तरह नाराज होकर चली जाओगी तो हमारा मन नहीं लगेगा बेटी। बार बार यही ख्याल सताएगा कि हमारी बेटी हमसे मिलने आई थी और हमने उसका दिल तोड़ दिया। और अगर तुम्हारी अम्मी ने ऐसा कह भी दिया तो उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना था बेटी कि हर हाल में सरफराज साहब और अकरम को खुश रखने की कोशिश करो, और अगर ऐसी वैसी बात कोई हो भी जाए तो मुस्कुराकर प्यार से उसे भूल जाओ। बेटी एक तूफान हम तुम्हारी जिंदगी में देख चुके हैं, अब हम तुम्हें खुश और हंसते हुए देखना चाहते हैं। मैं खुश हूं अबू, और आपके कहने के मुताबिक हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। फिर भी अम्मी हमेशा मुझे कहती रहती हैं, आपको और अम्मी को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए आप हमेशा मुझे ही समझाते रहते हैं। मैं बच्ची नहीं हूं, मैं समझती हूँ क्या सही है और क्या नहीं। अगर आप फिर भी समझते हैं कि मेरे ससुराल में कोई मसला आन खड़ा हुआ है तो फिर अब मैं यहां नहीं रुकूंगी। अकरम मैं ऐसा करता हूं, मैं चलता हूं यार। क्या हुआ, अभी तो काफी काम पड़ा है और तू जा रहा है? नहीं यार, बस एक जरूरी काम याद आ गया यार, मैं चलता हूं। हाँ तो ये भी तो जरूरी काम है ना, तू ही तो कह रहा था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आज ही मुकम्मल करना जरूरी है। देख थोड़ी देर रुक जा, काम खत्म हो जाएगा। नो प्रॉब्लम यार, क्या फर्क पड़ता है एक दो दिन लेट भी हुआ तो। मगर हुआ क्या है, कोई परेशानी है तुझे? नहीं यार, मैं चलता हूँ। समीर देख मेरी बात मान, जब काम शुरू कर दिया है तो फिर खत्म भी कर देना चाहिए, कभी कभी अधूरे काम बहुत टेंशन देते हैं। देख तू भी बहुत थक गया है, तू आराम कर ले और मुझे जाने दे। यार तू मेरी समझ के बाहर है, अभी अभी कह रहा था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुझे कल तक सबमिट करनी है, अब कह रहा है कि दो तीन दिन लेट भी हो गया तो कोई हर्ज नहीं। यार ये तू जितनी जोश में आया था ना उतना ही अपसेट होके यहां से जा रहा है, क्या क्या बात क्या है, तू खुश नहीं मैं जो कर रहा हूं उसे? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, ये काम तुझसे बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए तो मैं तेरे पास आया हूं। तो ऐसा कर इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर ले, डिटेल्स तो तेरे पास है ही, कल ऑफिस लेके आना, मैं वहीं से कलेक्ट करूंगा। फिलहाल मुझे जाने दे, ओके खुदा हाफिज। चल खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज। अकरम जी अच्छा अकरम मैं चलता हूँ, आई विल सी यू। ओके जरा आजा, मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या तुम अब भी यही समझते हो कि समीर यहां काम के सिलसिले में आया था? क्योंकि जब समीर आया था उसकी जिद थी कि उसका काम किसी भी तरह आज ही पूरा हो जाना चाहिए, और अब अचानक वो चला गया। क्यों? उसने काम के पूरा होने का इंतजार भी नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि हीना आज नहीं आ रही है, बस उसका दिल काम से ऊब गया और वो चला गया। तुम्हारे लाख रोकने के बावजूद भी वो नहीं रुका। अकरम मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, बताओ खामोश क्यों?